तो गाइस अगर आप ग्रैनी गेम खेलते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यह है ग्रैनी 3 गेम और आज मैं करने वाला हूं आपके लिए यहां पे 5 से 6 सीक्रेट्स रिवील ग्रैनी 3 गेम प्ले के बारे में। तो भाई जो आखिरी के 2 से 3 सीक्रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आखिरी तक बने रहे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक चाबी पड़ी हुई है, सेफ की है, इसको उठा लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप इस सेफ की को किसी भी डोर के अंदर रख के उसको अंदर रख के इसका दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते। मान लीजिए अब मैंने ये रख दिया, मैं इसको बंद करूँगा तो ये चाबी अंदर नहीं जाएगी, चाबी हिडन नहीं होगी, चाबी नहीं छिपेगी। ये भाई सीक्रेट है, ये हवा में ही लटकी रहेगी। इसको फिर से उठाते हैं एंड यहाँ पे ओपन करते हैं एंड इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। ये रख दिए हमने, अब हम इसको बंद करेंगे। देखा, ये नहीं होगी, ये नहीं जाएगी, ये हवा में लटक रही है चाबी, देख रहे हो आप, ये हवा में है, तो इसको आप नहीं रख सकते भाई। एक बार लेके आप सोचें कि इसको इसमें छिपा देते हैं तो वो नहीं छिपेगी यहीं से, मतलब नहीं कहीं पे भी नहीं छिपेगी। इस ड्रॉअर के अंदर रख के देखते हैं हम, चल भाई रखा एंड बंद करते हैं, नहीं जाएगी भाई, वो नहीं जाएगी, वो हवा में लटकी रहेगी। तो इस तरीके से गाइस आप किसी भी आइटम को ग्रैनी चैप्टर 3 में भाई किसी भी ड्रॉअर के अंदर रख के उसको छिपा नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये तो भाई एक कमाल का पहला सीक्रेट था। चलिए अब हम बढ़ते हैं हम दूसरे सीक्रेट की ओर। दूसरा सीक्रेट है भाई हमारी कार। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कार होती है एक एंड इसकी जो डिग्गी होती है पीछे, तो इसमें कोई आइटम मिल जाता है हमारे लिए। तो क्या आपको मालूम है आप इसकी डिग्गी को खोले बगैर भी चेक कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है, लेकिन कहाँ से करेंगे, क्या यहाँ से देख पाएंगे, क्या कहीं और से देख पाएंगे? जी नहीं, इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद बैठ जाइए और आप देख सकते हैं कि अंदर रखा हुआ है कोकोनट रखा हुआ है अंदर गाइस। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आइए और यहाँ पे बैठ जाइए एंड आपको गाड़ी की डिग्गी खोलने की ज़रूरत भी नहीं है और आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि कार के अंदर क्या है। तो फिलहाल आप इसको उठा नहीं पाएंगे, जैसे ही उठाएंगे डिग्गी ओपन हो जाएगी, ये अब उठा सकते हैं आप इसको। तो ये हो गया दूसरा सीक्रेट भाई जो कि कमाल का है। आई होप आपके लिए पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं सीक्रेट्स। चलिए तीसरे सीक्रेट की बात करते हैं। क्या आपको मालूम है आप कोई सा भी आइटम लेके यहाँ पे उठाएंगे इसको, ओ भाई कोकोनट, तो ये कोकोनट उठा लिया हम यहाँ पे, इसको पानी में डाल देंगे तो ये वहाँ पे नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब ये चला गया तो वापस नहीं आएगा, यहाँ पे साइड में ये ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है, वो वापस फिर से चला गया, वो वापस फिर से आ गया। कमाल कर रहे हो भाई, तुम ही खेल लो, हम नहीं खेलेंगे, ठीक है, तुम ही खेलते रहो ऑटोमेटिक। हाँ चले जाओ पानी में, इधर क्यों आ रहे हो। तो ये गया एंड ये आ गया, ये भी कमाल का सीक्रेट है ना, ये गया एंड ये आ गया। तो ये गाइस हो चुके हैं 3 सीक्रेट्स, ठीक है ना। अब चलिए हम चलते हैं चौथे की ओर। इसको इधर, मतलब इसको अपना ही करने दो, करने दो इसको, वो जाएगा आएगा फिर जाएगा फिर आएगा, देखते हैं बाद में कब तक जाएगा कब तक आएगा, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल हम यहीं पे। तो 3 सीक्रेट हो गए हैं, ठीक है ना, वीडियो को लाइक बनता है गाइस। अब चलते हैं चौथे सीक्रेट की ओर। अबे भाई सीक्रेट किधर है, हमको जाना है किचन में, ठीक है। तो तीसरे के बाद ये है गाइस चौथा, चौथा क्या है, तो यहाँ पे आइए, ये आप देख रहे हैं डोर, इसका डोर, यहाँ पे आइए और यहाँ पे बैठ जाइए, ठीक है ना। बैठने के बाद क्या करना है आपको, इसको ओपन करना है एंड खड़े होना है। ये कहाँ पे आ गए आप, देख रहे हैं कहाँ पे आ गए आप, मतलब डायरेक्ट किचन से इस साइड, ये हुई ना कमाल की ट्रिक, है ना। तो इस तरीके से भाई ये थी हमारी चौथी ट्रिक्स, आप किचन से डायरेक्टली आ सकते हैं यहाँ पे। चलिए एक बार और दिखाता हूँ आपके लिए किस तरीके से करना है, किचन में जाना है डायरेक्टली, ठीक है ना। इसको बंद करना है पहले एंड बंद की एंड इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे हम बैठेंगे एंड फिर ओपन करेंगे एंड थोड़ा हम टर्न होंगे एंड उठ जाएंगे, ये आ गए, हुई ना कमाल की ट्रिक। तो गाइस भाई ये थी अपनी चौथी ट्रिक। अब हम चलते हैं अपनी पांचवी ट्रिक के पास, जो कि भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस गेम के लिए। तो गाइज ये है हमारी आखिरी सीक्रेट और धांसू ट्रिक्स के, भाई आप पलंग के बगैर भी पलंग वाले रूम में जा सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है पलंग की, उसके बिना भी आप पलंग वाले रूम में जा सकते हैं। सबसे पहले इस सिलेंडर के रूम में आइए और यहाँ पर ये बॉक्सिंग का रखा होता है, इसको सीधा का सीधा गिरा दीजिए और इसमें पीछे से दे दीजिए धक्का। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा उधर
कीजिए एंड फिर से दे दीजिए धक्का, ज़्यादा भी नहीं देना है कि मतलब पूरा ही बिगड़ जाए उसका माहौल। ठीक है ना? ओहो, मतलब ये तो अपन को भी उचका उचका दे रहा है यार। यहाँ पे लाइए एंड यहाँ से ऐसे इसको मतलब सीधा ही लेके जाना है। कहाँ फंस रहा है यार? चल भाई थोड़ा आगे तो पड़े यार, पीछे से धक्का मारूंगा। चल 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 चल, बैठ के करूंगा तभी जाएगा तू आराम से। ओके। ओ नो 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 नो, ये क्या हो रहा? गिरना नहीं है, गिरना नहीं है तुमको। ठीक है, कुछ भी हो जाए, जमाना पलट जाए, लेकिन तुमको नहीं पलटना है। गिरने वालों को नहीं बताऊंगा ये ट्रिक, ठीक है? लेकिन तू भाई आराम से रखा जा, कुछ करना नहीं है। ठीक है, सीधा 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 गिरना, गिरियो मती, गिरियो मती, गिरियो मती भाई। ओके, साइड में आ जा। ओके, गो 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 गो। हो पहुंच गया क्या? शायद आप पहुंच गया होगा, अगर नहीं पहुंचा होगा तो एक बार और धक्का देंगे, शायद पहुंच गया है। हो गए, तो अब हम सिंपली जाएंगे आराम से, नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे गिरना नहीं चाहिए। आ गए हैं क्या इसके ऊपर? ओ भाई 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 भाई, धड़क मत धड़क मत धड़क मत। कहाँ पे हूँ मैं? कहाँ पे हूँ यार? ओके ओके, ओके, ये आ गए हैं हम गाइस। बिना पलंग के भी हम इस रूम में आ गए हैं यहाँ से निकल के, और ये आप देख रहे हैं बिना पलंग के भाई, हम कामयाबी पा ली है हमने। इसको उठाएंगे एंड इसको लेके जाएंगे, यहाँ से फेंक दीजिए। ये लीजिए, हमारे पास पलंग नहीं है, इसके बावजूद भी हम पलंग वाले रूम से उस आइटम को ले लिया है पलंग वाले रूम से। ठीक है, एंड क्या यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ से आप बैठ के नीचे जा सकते हैं, मरेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर भी हम जाते हैं, वापस जाने की ट्राई करते हैं। ओके ओके ओके, क्या वापस जा? ओ भाई, वापस ना जा पाएंगे ना, बैठ जाएंगे यहाँ से, एंड यहाँ से हम टेबल पे कूद जाएंगे। ये लो, तो गाइज ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से बिना पलंग के भी आप भाई यहाँ से आइटम ले सकते हैं। तो गाइज ये थे ग्रैनी थ्री गेम प्ले के कुछ सीक्रेट्स एंड ट्रिक्स, आई होप आपके लिए पसंद आए होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइए यार गाइज, एंड चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका भी कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भाई, आपको कितनी ट्रिक्स मालूम थी और कितनी ट्रिक्स मालूम नहीं थी। क्या ये वाली मालूम थी? बैठ कर यहाँ पे डिग्गी के अंदर देख सकते हैं क्या रखा है क्या नहीं। क्या आपको ये ट्रिक मालूम थी, हाँ या ना, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाएं। ठीक है ना, आप देख रहे हैं वेपन की रखी है। तो चलिए एक बार फिर से हम खत्म, टाटा बाय बाय कर लेते हैं यहाँ पे कूद के। कहाँ पे हो भाई? भागो 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 भागो, कब तक पकड़ पाएगा भाई? मैं पकड़ बैठ जाऊंगा। ओए बच गया गया।